दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान दिनेश उर्फ टप्पा और गोपाल त्यागी उर्फ अमित शर्मा के रूप में हुई है। गिरफ्तार बदमाश दिनेश उर्फ टप्पा नीरज भवानिया और सुनील राठी गिरोह का शॉप शूटर है। साल 2019 में वह जमानत पर रिहा हुआ, जिसके बाद वह फरार चल रहा था। टप्पा के कब्जे से पुलिस को एक पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर HGS धालीवाल ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि नीरज भवानिया और सुनील राठी गैंग का शॉप शूटर दिनेश उर्फ टप्पा, जो 2019 से जमानत मिलने के बाद फरार चल रहा है, दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टीम गठित की और क्राउन प्लाजा होटल के आसपास जाल बिछा दिया। जैसे ही दिनेश उर्फ टप्पा वहां पहुंचा, पुलिस ने घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि वह नीरज भवानिया और सुनील राठी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। वह उनके इशारे पर हत्या के प्रयास और डकैती के 10 से ज्यादा मामलों को अंजाम दे चुका है। वह वर्ष 2015 में जेल वैन में हुई पारस और भोले की हत्या में शामिल था। वहीं पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। नीरज भवानिया और सुनील राठी गिरोह का कुख्यात शार्प शूटर दिनेश टप्पा काफी समय से फरार चल रहा था। स्पेशल सेल को उसकी काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने एक सूचना पर दिनेश टप्पा को गिरफ्तार कर लिया। अब वह पहुंच गया है पुलिस की गिरफ्त में और चला गया है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश आवर, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।